ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है देश के सभी बड़े राज्यों के मुकाबले में। ठीक कह रहे हैं। 14 तारीख को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे सर, इसके बारे में कुछ जानकारी। ठीक कह रहे हैं कि आप बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में हमें पूरे देश में नंबर 2 आए हैं। जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा को लिया गया है और कर्नाटक के बाद हम नंबर 2 हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे स्टेट के लिए, हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आज के दिन पावर बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके जब हमारे पीएम साहब का और सीएम का दोनों का स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ये लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। मैं सभी कर्मचारी और सभी लोगों को जो सब लोगों ने मेहनत करी उसके लिए बधाई देता हूँ। सर क्या इसमें क्या देखा गया सर, ये अवार्ड जो दिया गया क्या देखा गया और आपके या इस 10 साल में कितना इसमें सोलर एनर्जी में हरियाणा आगे बढ़ा है? देखिए मेरे से पहले ये डिपार्टमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, 5 साल उन्हीं पे था। फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और उसमें उन्होंने इसके बढ़िया पैरामीटर्स सेट कर रखे थे। मुझे भी इसे स्मूथली रन करने में बहुत आसानी हुई और उसके बाद जब एक चीज़ ऑनलाइन आ जाती है तो उस पर फिर आउटपुट बड़ा जल्दी मिलता है। तो मैं तो इस बात का उन्हें भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि पूरे देश में हरियाणा बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड में हम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 2 पूरे देश में आएँ। और प्रेसिडेंट साहब हमारे माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय जो नंबर 1 हैं कंट्री के, वो इसमें सम्मानित करेंगे। स्टेट के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा एक सम्मानजनक बात है जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर एक सरकार जो है सोलर पंप लगा रही है प्रदेश में, पिछले सत्र में एक मामला सामने आया था कि जो ज़्यादा गहराई के जो कुएँ होते पंप होते हैं वहाँ पर सोलर पंप काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ विभाग ने? देखिए सोलर पंप को हम यूँ करके बढ़ा रहे हैं कि सोलर चलने के बाद हमारी पावर बचती है। अब पावर जो हम किसान को देते हैं वो 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, हमारी जो थर्मल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो तकरीबन 5-1 रुपये आती है, 10 पैसे ऊपर नीचे। 5 रुपये लेके 10 पैसे देना मतलब हम उनको 5819 करोड़ रुपया हम टोटल पैसा उन्हें देते हैं, और जबकि उससे रिकवरी हमारी है वो 181 करोड़ रुपया है। तो जब आप समझे कि इतना स्टेट को घाटा जा रहा है, सोलर से सारा ही फ्री हो रहा है, पावर आ रही है, उन्हें दे दिया, 1 टाइम होने के बाद उनके इंस्टॉलमेंट्स आ गए, उसके बाद उन लोगों को फ्री बिजली मिलती है, सब सन से मिलती है। तो ये करके हम चाह रहे थे कि सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इस पे एक विषय था कि 50 फिट तक वो जो 10 HP जो है सोलर पंप वो बहुत कामयाब है, तो लोग उसे बहुत, जैसे हमने जब भी पोर्टल खोला तो अब 2 घंटे में भी आप ये समझो कि लाख लाख के करीब उसकी बुकिंग आ जाती है। अगर उसे हम एक दिन एक रात खोलते तो 5-7 लाख में जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सब्सिडी है, वो 35% वो देते हैं, 30% वो देते हैं, 45% हम देते हैं, तो गवर्नमेंट हेड पे बड़ा खर्च जाता है। एक चीज़ को जब प्रमोट करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ कोई इंसेंटिव देना पड़ता है। तो ये करके इसको फिर हम चाह रहे थे कि इस पे लोग शिफ्ट करें और हमारा इन द लॉन्ग रन अगर सोचें तो आपकी पावर बचे। सर एक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया बिजली विभाग पर कि कैग के रिपोर्ट में उन्होंने हवाला दिया कि पिछले 5 साल में बिजली कंपनियों को 15,500 करोड़ का घाटा हुआ है और सरकार ने पूरी क्षमता से पावर जो हमारे प्लांट है वो नहीं चलाए हैं, वो आधी क्षमता से चलाए, जिस वजह से घाटा हुआ है, क्या कहें? देखिए कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता। बरसात हुई थी जिसका अंदाजा नहीं, सब स्टेशन पावर डूब गए लोगों के, तो आप देखे थे हिमाचल में तो तबाही हुई थी, जहाँ अर्थक्वेक आ जाए वहाँ कोई घाटा मुनाफा नहीं देखे थे। आप कुदरत का कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये आया है उसके बाद यूक्रेन वार से था, कोल के दाम बढ़े, गैसेज के दाम बढ़े, तो सो मेनी रीजन है उसमें। पर उन हालात में भी फिर हमें औरों को बिजली देना हमारी ज़्यादा प्राथमिकता है, इस करके हम इन बातों को नहीं देखते कि घाटा में कभी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं कभी घाटे में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं। वो लोग भी दिल्ली का या पंजाब का मॉडल कहते हैं कि वहाँ पर हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हरियाणा सरकार क्यों लोगों को नहीं दे पा रही बिजली फ्री, इस बात को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं। देखिए मैं आपसे बताऊँ, वो बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज बाहर से शिफ्ट हो रही है सब दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये सारी उनकी आ रही है। दिल्ली से इंडस्ट्री ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, मतलब 50% तो दिल्ली से आ रही हैं।
इसके बाद सेकंड हमारा जो है, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, चाहे वो यूनिटेक के हैं, डीएलएफ के हैं, चाहे आपका इनका वाटिका का है या टीडीआई है, जितने भी आ रहे हैं, पार्श्वनाथ हैं, उन सबको हम 6-6 स्टोरी, उनकी 20-20 स्टोरी ऊपर बने हैं, एक एक फ्लैट में 4-4 रूम हैं, उन सब में एसी लग रहे हैं, उस दिल्ली के लोगों की शिफ्टिंग या बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको हम उसी, उनको भी हर हालत में हम मीट आउट कर रहे हैं। तो पावर इतनी देना तो बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। केजरीवाल जी पता नहीं वो उनके लोग क्यों बाहर आ रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, वो इस तरीके की बातें करें, कोई सस्ती बात नहीं। सर एक आखिरी सवाल है कि लाइन लॉस को लेकर सरकार ने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ समय में, हुआ है आंकड़ों के मुताबिक काफ़ी कम हुआ है लाइन लॉस, तो क्या कितना कम हुआ है, क्या कुछ फायदा हुआ है? देखिए ये 2005 में 2014 में जब मनोहर लाल जी ने टेक ओवर करा था उस वक्त 31.17% था, आज ये हमारा आके कोई 9.25 है एटेंसी। तो आप ये समझिए कि जब 20-22% लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। जो डिपार्टमेंट कतई घाटे में जा रहा था, बीच में प्रॉफिट में भी आ गया। ये तो बीच में फ्लड और बाढ़ और तबाही, अर्थक्वेक, ये तो बाद की बातें हैं। ठीक है, ठीक है। अंबाला में जो हुआ है, क्या घटना हुई है, किस तरह से जेल? देखिए एक आदमी को, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम का पता नहीं क्योंकि अभी की घटना है, एक आदमी को बेल मिली थी और कहीं नीचे या तो कर्मचारियों की गलती से हुआ है या जानबूझ के किसी ने करा, उसी कोई दूसरे आदमी को निकल गया। जैसे ही खबर मिली तो तुरंत हमने पुलिस रिपोर्ट कर दी, हमारे डीजीपी इमीडिएट मौके पे चले गए। अब मुझे पूरी डिटेल आने के बाद मैं बताऊंगा। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीज़ों में हमको अभी आज़ादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतज़ामियाँ। हमने आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।